हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन है, मैं अमलनेर महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मैं अजमेर शरीफ ज़ियारत को आया था, लेकिन यहाँ पर देखा मैंने कि सरेआम लूटमार मची हुई है। एक गैर मजहबी इंसान मेरे को मिला और वो बोल रहा था कि भैया आज के बाद मैं अजमेर नहीं आऊँगा। मैंने उसकी वजह पूछी उससे, उसकी वजह ये थी कि खादमियों के से उसकी हुई लूट, ये उसकी वजह बता रहा था वो। और मैंने खुद, मैं ख्वाजा साहब का चाहने वाला हूँ और ख्वाजा साहब, मेरे से कोई गलती होगी हो तो ख्वाजा साहब मुझे माफ़ करें, लेकिन मैंने ख्वाजा साहब पे चादर नहीं चढ़ाई। क्यों नहीं चढ़ाई? कि वो पैसा जो है ना, ये लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लाख लाख रुपए की घड़ी पहन रहे सोने की, और एक खादिम कभी नमाज नहीं पढ़ता, कभी दाढ़ी नहीं रखता, कभी कुछ नहीं, और ये सब सिंधी लोग हैं। इसके लिए भैया मैंने जो भी चादर का पैसा है, जैसा मसलन अगर मैं 200 रुपये की चादर चढ़ाऊँ तो उसका 400 रुपये मैं गरीबों को खाना खिला दूँगा, वो भी ख्वाजा साहब के नाम से। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो ख्वाजा साहब मुझे माफ़ करें, और सही कर रहा हूँ तो आप मेरा साथ दो। चलो, सलाम अलैकुम।